नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास सोनी का लैपटॉप है जो कि वाई वर्जन का है और इसमें एक एरर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड का। उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए या आपके पास एक बूटेबल सीडी होनी चाहिए विंडोज़ की, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे और F2 की को प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा लैपटॉप बायोस सेटिंग में चला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एरो की मदद से हम जाएंगे बूट सेक्शन में, और उसके बाद एक्सटर्नल डिवाइस बूट इनेबल है, इसको आपको इनेबल करना है जो कि ऑलरेडी हो रखा है। नेटवर्क बूट को डिसेबल कर देना है, उसके बाद बूट प्रायोरिटी में जाना है। तो सबसे जो फर्स्ट बूट डिवाइस है उसको एक्सटर्नल डिवाइस कर देना है और उसके बाद एग्जिट में जाना है। तो उसके लिए आपको सेव एंड एग्जिट के लिए F10 की को प्रेस करना है, उसके बाद इंटर हिट करना है। उसके बाद जब आपका लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट हो, आपको उसी समय अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देनी है। तो हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम अपने कंप्यूटर को एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे और उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर है वह पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। और इसके बाद आपको नॉर्मली अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर लेनी है, बस आपकी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड की प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.